हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेट फॉर्मेट्स बेसिकली होता क्या है एक्सेल में, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है लोगों को वो डेट्स में ही आती है कि डेट्स के फॉर्मेट को कैसे चेंज करें। अगर डी डी एम एम वाई वाई है, मतलब डेट मंथ और ईयर, तो उसको कैसे आप मंथ डेट और ईयर मंथ डेट और साइमल्टेनियसली मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई एक्सेल फाइल मिलती है आपको, तो उसमें डेट फॉर्मेट कोई डिफरेंट होता है, और आपको जब कोई इनपुट करते हैं तो उसका डेट फॉर्मेट कोई अलग होता है। इस वजह से प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब भी हम नॉर्मली डेट इनपुट करते हैं तो हमारा वो वाला पुराना वाला फॉर्मेट नहीं रहता है। तो उसको करेक्ट करने के मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ डेट फॉर्मेट्स लिए हैं, तो मैं इनको सबसे पहले मैं इसको ये अभी मेरा फॉर्मेट है डी डी एम एम और वाई वाई। अगर मुझे इसे चेंज करना है एम एम डी डी वाई वाई, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करके पहले यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये इसलिए मैंने इसलिए अलग रखा है कि जिससे कि आपको पता चल जाए कि पुराना फॉर्मेट किस तरह के था। तो इसको मैं करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, इस पर फॉर्मेट सेल्स में जाएँगा, और इस पर थोड़ा टाइम लगता है आने में। इसको जब ये आ जाएगा तो हमारे यहाँ पर एक कस्टम वाला फॉर्मेट होता है। कस्टम वाले फॉर्मेट में भी हमारा डी डी एम एम वाई वाई है, हमें पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे एम एम डी डी वाई 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 वाई, और एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा डेट फॉर्मेट पहले किस तरीके का था। तो हमारा ये स्लैश हट के ये यहाँ पे आ गया है, हाइफन करके आ गया है। इस तरह से मैं इसको दूसरा फॉर्मेट यहाँ पे चेंज करता हूँ। इस पर भी आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स के करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी डी कॉमा एम 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 एम। इस बार मैंने मतलब ईयर को नहीं कंसीडर किया है, और मैं इसे ओके कर दूँगा। तो 3 दिसंबर यहाँ पे मेरा पॉपुलेट हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको कोई और डेट फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पे लेके आ जाते हैं, फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाना है, और इसको फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे डी डी एम 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 वाई 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 वाई, और अब देखते हैं क्या होता है। अभी 3 दिसंबर 2017 यहाँ पे आ गया है। अगर आपको किसी भी डेट का फॉर्मेट देखना है कि इसका बेसिकली ये दिखती कैसी है, तो सेल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको इस वाले यहाँ पे फार्मूला बार होता है, तो आपको उसका रियल फॉर्मेट पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा फॉर्मेट जो ये फॉर्मेट वाले इस बटन से हमने इसको फॉर्मेट वाले ऑप्शन से जो ये हमारे यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट सेल के से हमने इसको चेंज किया है। इसी तरीके से मैं इसको एक और चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप बेसिकली करते क्या है कि आप अपने जो डेट फॉर्मेट हैं इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल, जो हमारे जो टॉप में हमारा जो 1 होता है इसे प्रेस करेंगे तो ये डेट में इस तरह से कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये हमारे वैल्यूज़ में आ जाएगा। कंट्रोल जी कर देता हूँ, इसे मैं राइट क्लिक करके फिर से फॉर्मेट सेल में जाता हूँ। इस बार मैं एम एम एंड वाई वाई लिखता हूँ, 2 बार वाई लिखता हूँ इसमें। आपका खाली जैसे मंथ और 2 बार जैसे या फिर दिसंबर 17 आ गया है, आपको इसका रियल फॉर्मेट देखना है तो आपको इसको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको इसका रियल फॉर्मेट दिख जाएगा। और जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है हमें यहाँ पे लेके आना है, तो इसके लिए सिंपली आप होम पे जाएंगे, और होम फॉर्मेट पेंटर में जाने के बाद ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद इस वाले उसको सिलेक्ट करके हम पूरी रेंज को इसकी इस वाले फॉर्मेट की तरह हम इस फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही ईजी तरीका है। जैसे कि ये वाला फॉर्मेट है मुझे यहाँ पर लेके आना है, तो मैं इस वाली रेंज को सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में जाऊंगा, और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके पूरी रेंज को सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये वाला जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और एक दूसरी प्रॉब्लम जो एक मतलब मेरे को कमेंट्स में आई थी कि उसमें लिखा हुआ था कि जब भी हमें 0 से कोई भी नंबर एंटर करते हैं, जैसे मैंने एक फ़ोन नंबर लिखा है 0121678, तो ये 0 डिसअपियर हो जाता है। आपने देखा होगा कि 0 को मैं 0 से कुछ भी स्टार्ट करता हूँ, 12 भी लिखता हूँ, तो 0 से डिसअपियर हो गया। तो इसको 0 को अगर हमको लेके आना है, तो 0 को लेके आने के कुछ तरीके होते हैं, तो इसमें कुछ ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आप एक सिंगल कॉमा लगा के 0121345 8 कुछ भी लिखना है, तो इस तरीके से देखिए हमारा 0 यहाँ पे अपीयर हो गया है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी नंबर लेके आ जाता हूँ,
जैसे ये मेरे नंबर हैं। बेसिकली हमें करना क्या होता है, अभी हमारे राइट हैंड साइड में अगर ये हमारा नंबर मतलब इस तरह से राइट हैंड जो अलाइनमेंट होता है इसका राइट में चले जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर फॉर्मेट है, और सेल के लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट में चले जाता है लेफ्ट में, तो ये हमारा टेक्स्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम आपको ये भी देखिए जितनी भी डेट्स हैं हमारे, अगर मैं इसको थोड़ा सेल को इसकी विड्थ को अगर बढ़ा देता हूँ तो आपको लगेगा कि सारे के सारे नंबर हमारे राइट हैंड साइड में हैं। इसका मतलब जितनी भी हमारी डेट्स हैं वो एक नंबर से मतलब एक रिलेट करती है, और नंबर से जब रिलेट करती हैं तो हम तो ही मतलब ये राइट हैंड साइड में आता है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, मैं आज की डेट लेता हूँ, इसमें इजिकल टू करके मैं +1 कर देता हूँ, अगर उसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए सारे राइट में हैं, और ये इसको इसने ऐड भी कर लिया इसमें। इसका मतलब ये है कि ये इसको नंबर की तरह ट्रीट करता है, और +1 करके देखिए इसकी डेट सारी बढ़ गई है। अगर मुझको इस वाली पूरी सेल को अगर मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या तरीका है, एक एक करके अगर हम इसमें कॉलन कॉमा कॉमा लगाएंगे तो ये तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो एक साथ हम इसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा वाले ऑप्शन में, डेटा वाले ऑप्शन में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद इसको मैं डेलीमेट को नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई भी फील्ड को चेक नहीं रखना है, सारे को अनचेक करना है। फिर नेक्स्ट में जाने के बाद ये टेक्स्ट वाला कॉलम आता है, इसको मैं फिनिश कर दूंगा, तो देखेंगे लेफ्ट में आ गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सारी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप ये वाला भी है जो हमारे पास जहाँ पे हमने ज़ीरो लगाया था, इस वाले पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ। डेटा में जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे हमारे पास जीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड करते तो राइट में चले जाता है और जीरो हमारा डिसअपेयर हो जाता है, तो मैं इसको सबको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इस पूरी फील्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्टेड कोई भी वैल्यू लिखता हूँ तो ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन ये आई क्यों नहीं, तो आप फिलहाल इसे कॉमा से करिए। मैं इसको एक दूसरे ट्यूटोरियल में देखूँगा कि क्यों नहीं आ रही है, लेकिन आप कॉमा लगा के अगर कर देते हैं तो ये यहाँ पे हमारी अपियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी आपके नंबर फील्ड है उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट को आप अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको DDYY MMYY DDMM MMDDYY मतलब मंथ डेट ईयर डेट मंथ ईयर ईयर मंथ डेट, जैसे मैं इसको ईयर के साथ कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए अब मैं कैसे करता हूँ इसे, इसको मैंने पेस्ट किया, अब मैं इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट में जाने के बाद इसके बाद मैं कस्टम में जाने के बाद YY करता हूँ, YY MM एंड DD, एंटर करूँगा, इसको इसकी विड्थ को ऑटो फिट कर देता हूँ मैं अगर, तो आप देख सकते हैं कि ईयर मंथ और डेट हमारी मतलब अलग डिफरेंट तरीके से आ गई। तो इस तरीके से आप अपने डेट को फॉर्मेट कर सकते हैं, नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको यूज़ कीजिए, करेंगे तो आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी ये ट्रिक, और आई होप योर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।